close till I get up. Time is back. Assalamualaikum, welcome back to my channel. उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे. सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपका स्नैपचैट का अकाउंट लॉक क्यों हो जाता है और आप इसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को. सो गाइस, स्नैपचैट अकाउंट लॉक होने की दो रीज़न होती हैं, दो कंडीशन होती हैं. एक ऐसा अकाउंट जो कि आप न्यूली अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस पर आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो, रिसीव करते हैं, और आप एक स्ट्रिक बनाते हैं और आप मल्टीपल अकाउंट पर सेंड कर देते हैं. ये आप एक न्यू अकाउंट में या पुराने अकाउंट में जब भी करते हैं, आपका अकाउंट लॉक हो जाता है. और आप ऐसे अकाउंट को अनलॉक कैसे कर सकते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो डिटेल्स में बनाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ. जब भी आप इस तरह से सेंड रिक्वेस्ट बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, और एक मैसेज को मल्टीपल अकाउंट पे बार बार सेंड करते हैं, तो इसके बाद होता क्या है, आपके ईमेल पे एक ईमेल आ जाती है स्नैपचैट की तरफ से कि आपका अकाउंट लॉक हो गया है. और उस ईमेल में एक लिंक दिया जाता है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को प्रोसेस को फॉलो करते हुए अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं. ऐसा अकाउंट बहुत आसानी से अनलॉक हो सकता है और ये आप खुद कर सकते हैं. आपको ज़रूरत नहीं है स्नैपचैट को ईमेल करने की. आपको एक सेकंड कंडीशन बताती हूँ. जब आप कोई सीवियर किस्म की स्नैपचैट की कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट पोस्ट करते हैं, कोई वॉयलेशन करते हैं, तो आपका अकाउंट इस तरह से लॉक हो जाता है और आपको ये पॉपअप नोटिफिकेशन नज़र आता है कि अकाउंट लॉक. ऐसी कंडीशन में आप अपने अकाउंट को खुद अनलॉक नहीं कर सकते. आप स्नैपचैट को ईमेल करेंगे, स्नैपचैट आपको बताएगा कि आपने कौन सी वॉयलेशन कहाँ की है जिसकी वजह से आपका अकाउंट लॉक हो गया है. यहाँ पर आपको एक अपील का ऑप्शन देखने को मिलता है जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं. जब आप अपील पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा. आपकी जो अपील है वो रिव्यू में चली जाएगी. अगर स्नैपचैट को लगेगा कि उन्होंने गलती से आपके अकाउंट को लॉक कर दिया है, जो कि करना नहीं चाहिए था, वो अपने अपील डिसीजन को रिवर्स कर देंगे और आपका जो अकाउंट है वो दोबारा से अनलॉक हो जाएगा. सो गाइस, अकाउंट लॉक होने के बाद जब आप अपील करते हैं अपने अकाउंट को अनलॉक करने के लिए, तो आपके पास एक ईमेल आ जाती है कि स्नैपचैट की तरफ से कि उनको आपकी रिक्वेस्ट जो अपील की है वो रिसीव हो गई है, वो एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करेंगे. लेकिन इस केस में मैंने ज़्यादातर देखा है आपके अकाउंट जो है वो अनलॉक नहीं होते, क्योंकि इसमें आप बहुत सीरियस वॉयलेशन करते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट लॉक हो जाता है. अब मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी वॉयलेशन है जो आप अपने अकाउंट पे अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट सेव रहेगा. सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट लॉक ना हो, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है और अपना मोबाइल नंबर अपने स्नैपचैट अकाउंट पे हमेशा वेरीफाई करके रखना है. इसके अलावा आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करी, जैसे कि VPN वगैरह यूज़ नहीं करना. स्नैपचैट वो डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से भी आपका अकाउंट लॉक हो जाता है. जैसे स्नैपचैट की कुछ ऐसी वॉयलेशन है, अगर आप वो करेंगे उनकी खिलाफ वर्जी या उसके अगेंस्ट कुछ पोस्ट करेंगे, तो आपकी डिवाइस जो है स्नैपचैट की, यानी कि आपका जो मोबाइल है वो भी बैन हो जाएगा. आप कोई न्यू अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सकते. आपकी एज 13 साल से कम है और आपके पास स्नैपचैट का अकाउंट है, स्नैपचैट का सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा आपका अकाउंट, वो डिलीट कर देगा या आपका अकाउंट लॉक कर देगा. क्योंकि 13 साल से कम अगर आपकी एज है, आप स्नैपचैट का अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते. सो गाइज, यहाँ पर आप एक ये वीडियो देख सकते हैं. यहाँ पर स्नैपचैट के CEO, इसके अलावा फेसबुक के CEO, इसके अलावा टिकटॉक और डिस्कॉर्ड के CEO को यहाँ पर US मीटिंग में इनवाइट किया गया था. सेनेटर की मीटिंग थी ये, तकरीबन ये 2 घंटे की वीडियो, ये मैंने कंप्लीट देखी थी. यहाँ पर इनसे पूछा गया था कि आप अपनी कंपनी में सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी के रिलेटेड कौन सी प्रिकॉशन है वो जो करते हैं. सो गाइज, यहाँ पर इन चारों कंपनी के CEO को बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को मिला था कि आपके प्लेटफॉर्म पे इस तरह की भी वॉयलेशन होती हैं. सो गाइज, तो आपको समझ आएगा कि स्नैपचैट ने चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड अभी ये जो एक न्यू अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लॉन्च की है कि आप 13 साल से कम होंगे तो आप स्नैपचैट का अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, ये इसी वजह से की है. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन सी ऐसी सीरियस वॉयलेशन है जिसकी वजह से आपका अकाउंट लॉक हो जाता है और आप उसको दोबारा अनलॉक किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, चाहे आप अपील भी कर लें. वन बाय वन में आपको यहाँ पर सारी जो वॉयलेशन है गाइडलाइन वो बताऊंगी, ताकि आप अपनी अकाउंट में वो दोबारा ना कर सकें जिसकी वजह से आपका अकाउंट लॉक हो जाता है. गाइस, पहली वॉयलेशन है सेक्चुअल कंटेंट. अब आप बाकी इसकी जितनी भी डिटेल्स है वो खुद पढ़ लें, अगर मैंने पढ़ी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सेकेंड है हरासमेंट एंड बुलिंग. इसके अलावा थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेट एंड वॉयलेंस एंड हार्म.
इसके अलावा हार्मफुल फॉल्स एंड डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन, इसके अलावा है इलीगल और रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, हेटफुल कंटेंट, टेररिज्म एंड वायलेंस। ये सब वॉयलेशन अगर आप अपने अकाउंट पे करेंगे तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा और डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ऐसे अकाउंट स्नैपचैट के डेटाबेस से डिलीट हो जाते हैं, इवन के अपील करने के बाद भी वो रिकवर नहीं हो सकते। आई होप कि आपका जो भी कंसर्न होगा स्नैपचैट अकाउंट लॉक को लेकर वो आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।